I'm going to. We are doing chapter Nationalism in India, and yesterday I have revised Jallianwala Bagh incident and Satyagraha movement. Roller tap, ये सब हम कर चुके हैं कल. Now today I'm going to start with Gandhi ji called back Satyagraha movement after Jallianwala Bagh incident and decided to launch non-cooperation movement. तो उन्होंने अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया था. नॉन कॉपरेशन का मीनिंग आपको बताना चाहिए. जैसे सत्याग्रह का मीनिंग था फाइट फॉर ट्रूथ, नॉन कॉपरेशन का मीनिंग है नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश. ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करना, ब्रिटिश रूल अपने आप खत्म हो जाएगा इफ इंडियंस स्टॉप्ड कॉपरेटिंग ब्रिटिश. तो गांधी जी रोट बुक हिंद स्वराज. पेपर में पूछते होते हैं हु रोट हिंद स्वराज, किसने लिखी, महात्मा गांधी, इन विच ईयर 1909, व्हाट वाज द आइडिया, हु रोट हिंद स्वराज इन विच ईयर एंड व्हाट वाज द आइडिया गिवन बाय द ऑथर इन दैट बुक. तो हु रोट, महात्मा गांधी, इन विच ईयर 1909, व्हाट वाज द आइडिया गिवन बाय ऑथर, ऑथर कौन है, महात्मा गांधी, एंड व्हाट वाज द आइडिया गिवन बाय द ऑथर. If Indians stopped cooperating British, British rule would automatically come to an end. गांधी जी ने कहा था कि अगर Indians British को cooperate करना बंद कर देंगे तो British rule अपने आप खत्म हो जाएगा. तो this book was written by गांधी जी in 1909. तो non-cooperation में उन्होंने इसी को अपना main, कह लो कि इसी को इसी book से idea लिया जो उन्होंने लिखी थी. तो नॉन कॉपरेशन का भी मीनिंग नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश. तो गांधी जी आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट डिसाइडेड टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट ही वांटेड टू मेक इट मास मूवमेंट बाय ज्वाइनिंग हैंड्स विद मुस्लिम्स. तो मुस्लिम्स के साथ हैंड ज्वाइन करके इसे मास मूवमेंट बनाना चाहते थे. बेसिस का भी उन्होंने नॉन कॉपरेशन का भी नॉन वायलेंस ही रखा. तो अगर आपको नॉन कॉपरेशन का ईयर पूछते हैं तो दैट इज 1920 में नॉन कॉपरेशन, जनवरी 1921 नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो इकट्ठी लॉन्च हुई थी. तो गांधी जी वॉन्टेड टू ज्वाइन हैंड्स विद मुस्लिम्स, बट सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स दे डिडंट वॉन्ट टू ज्वाइन हैंड्स विद मुस्लिम्स, दे वर नॉट इन फेवर टू ज्वाइन हैंड्स विद मुस्लिम्स. गांधी जी हैड टू कन्विंस कांग्रेस लीडर्स. अब यहाँ पे उनके सेशंस आ जाने हैं. फर्स्टली इन कलकत्ता सेशन, पहले उन्होंने कलकत्ता सेशन, कलकत्ता ही आप लिखोगे, नो यू विल नॉट राइट कोलकाता. कलकत्ता सेशन जो था दैट वाज हेल्ड इन सितंबर 1920. फर्स्टली कन्विंस द कांग्रेस लीडर्स इन कलकत्ता सेशन That was held in September 1920. पेपर में पूछते होते हैं September 1920 का कांग्रेस सेशन जहाँ पे हुआ वो प्लेस मैप में लोकेट करो. तो देन यू हैव टू लोकेट कलकत्ता. उन्होंने हिंट दे देना कि 1920 September session of Congress was held at which place, locate that on map. तो आपने तब कलकत्ता लोकेट करना है. To firstly convince Congress leaders in Calcutta session that was held in September 1920, but they didn't agree. यहाँ पे वो नहीं माने. Then he again convinced them, Congress leader, in December session. अब ये December में हुआ, 1920 में ही नागपुर में. नागपुर में ये session हुआ in December. So here, Gandhiji said that there is need to join hands with Muslims. So here, Congress leaders agreed. यहाँ पे वो नहीं माने, but here they agreed. So non-cooperation खिलाफत movement was launched in January 1921. क्योंकि 1920 दिसंबर मंथ में वो मान गए कि let's join hands with Muslims. तो जनवरी 1921 में non-cooperation movement was started. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई. अब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, सॉरी नॉन कॉपरेशन तो गांधी जी, तो खिलाफत मूवमेंट किन्होंने लॉन्च की, अली ब्रदर्स. तो यहाँ पे हम बताएंगे हिंदू एंड सिख तो नाराज थे फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट.
व्हाट हैपेंड टू मुस्लिम्स? तो मुस्लिम्स जो थे ना वो भी ब्रिटिश से नाराज थे, बिकॉज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की वॉज डिफीटेड एंड पावर्स ऑफ खलीफा द सुल्तान ऑफ टर्की, ही वॉज स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स, तो उसकी जो पावर्स थी ना वो ब्रिटिश ने छीन ली थी. सुल्तान ऑफ टर्की खलीफा, तो उसकी पावर्स किन्होंने छीन ली थी? ब्रिटिश. दैट वॉज नॉट टॉलरेटेड बाई मुस्लिम्स, क्योंकि वो उनका स्पिरिचुअल हेड था. तो दैट्स वाई मुस्लिम्स दे ऑल्सो वॉन्टेड टू लॉन्च मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ज्वाइन हैंड्स विद महात्मा गांधी, क्योंकि उनको था कि अगर गांधी जी के साथ मिलकर करेंगे तो पावरफुल मूवमेंट बन जाएगी, मास मूवमेंट बन जाएगी. मुस्लिम्स ऑल्सो वॉन्टेड टू ज्वाइन हैंड्स विद महात्मा गांधी, गांधी जी ऑल्सो वॉन्टेड टू ज्वाइन हैंड्स विद मुस्लिम्स, दोनों साइड से था. तो दोनों ने मिलकर फ्रॉम द मुस्लिम्स अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की थी. अली ब्रदर्स कहते हैं, यू शुड नो देयर नेम्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. तो इन्होंने हैंड ज्वाइन कर लिए विद महात्मा गांधी. गांधी जी एंड अली ब्रदर्स ज्वाइंट देयर हैंड्स एंड लॉन्च्ड नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट इन जनवरी 1921. ये सब बीच में जो हुआ मैंने आपको बता दिया कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई है. सत्याग्रह मूवमेंट कॉल बैक की, गांधी जी मास मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे. तो उन्होंने कांग्रेस के, बट कांग्रेस लीडर्स दे डिड नॉट वांट टू ज्वाइन हैंड्स विद मुस्लिम्स. सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स मुस्लिम्स के साथ हैंड ज्वाइन नहीं करना चाहते थे. तो गांधी जी को उनको कन्विंस करना पड़ा. पहले कहाँ पे किया? कैलकटा सेशन, जो कि 1920 सितंबर मंथ में हुआ, नहीं माने. फिर दिसंबर सेशन 1920 नागपुर में हुआ, यहाँ पे वो मान गए एंड नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड. तो ये मूवमेंट लॉन्च हो गई. तो अब ये मूवमेंट लॉन्च किन्होंने की? गांधी जी एंड अली ब्रदर्स. सो यू शुड नो द रीजन ऑल्सो, आई हैव टोल्ड यू कि उन्होंने ये क्यों लॉन्च की खिलाफत, क्योंकि टर्की का जो सुल्तान था ही वॉज स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उसकी पावर्स, टर्की गॉट डिफीटेड. आप यूरोप में भी पढ़ते हो, सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर नो केम टू बी नोन एज सिक मैन ऑफ यूरोप. कहीं ना कहीं वो वीक हो चुका था, तो उसकी पावर्स ब्रिटिश ने छीन ली. टर्की हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि टर्की सेंट्रल पावर में आता. आपने कल भी जब मैंने अलाइड एंड सेंट्रल पावर्स बताई थी तो उसमें मैंने बताया था सेंट्रल पावर में टर्की. तो टर्की गॉट डिफीटेड, उसकी पावर्स ब्रिटिश ने छीन ली थी. दैट वॉज नॉट टॉलरेटेड बाई मुस्लिम्स. तो उन्होंने, क्योंकि वो उनका स्पिरिचुअल हेड था, तो उन्होंने मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया था अगेंस्ट ब्रिटिश एंड दैट वॉज खिलाफत मूवमेंट. वो हैंड ज्वाइन कर लिए, दोनों ने मिलकर मूवमेंट लॉन्च की, गांधी जी एंड अली ब्रदर्स ने, जनवरी 1921. अब ये मूवमेंट लॉन्च हो गई. अब इस मूवमेंट में क्या क्या हुआ? प्रोग्राम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गांधी जी एंड शौकत अली टुक द राउंड ऑफ होल ऑफ इंडिया. तो अब गांधी जी ने शौकत अली के साथ इसलिए राउंड लगाया बिकॉज लोगों को बताना चाहते थे, वॉन्टेड टू इनकरेज पीपल टू ज्वाइन दिस मूवमेंट. क्योंकि सत्याग्रह मूवमेंट में लोगों को पता ही नहीं चला था उस मूवमेंट के बारे में. तो अब गांधी जी इसको मास मूवमेंट बनाने के लिए लोगों को इनकरेज करना चाहते थे टू ज्वाइन दिस मूवमेंट. दैट्स वाई ही एंड शौकत अली दोनों ने मिलके पूरे इंडिया का राउंड लगाया, इनकरेज इंडियंस टू ज्वाइन दिस मूवमेंट. लोगों को नॉन कोऑपरेशन के बारे में अवेयर किया और उन्हें कहा कि इस मूवमेंट को बढ़ चढ़ के ज्वाइन करो. अब इस मूवमेंट के प्रोग्राम्स क्या क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मूवमेंट में उन्होंने सबसे पहले कहा कि सरेंडर द टाइटल्स गिवन बाय ब्रिटिश. जो भी ब्रिटिश टाइटल्स देते थे ना उन्हें सरेंडर कर दो. जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल वापस किया था, ठीक है. तो इसमें उन्होंने कहा था सरेंडर द टाइटल्स गिवन बाय ब्रिटिश. जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल वापस किया था. तो एक तो कहा कि सरेंडर द टाइटल्स, साथ में उन्होंने कहा नॉट टू यूज ब्रिटिश गुड्स, नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश, use Indian goods, promote Indian goods. तो ये सब कुछ इस मूवमेंट में, boycott the British institutions, ये सब इस मूवमेंट में उन्होंने लोगों को मैसेज दिए. तो पेपर में पूछ लें what do you know about non-cooperation movement, write its programs. तो अभी मैंने जितना आपको बताया अपने वो बताना है, non-cooperation का मीनिंग बताना है, किस बुक से आइडिया लिया, तो किसके साथ मिलके लॉन्च की, कैसे राउंड लिया, किसके साथ लिया,
और कौन से ईयर में कौन से मंथ में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुई, प्रोग्राम क्या थे अंडर द टाइटल्स गिवन बाय ब्रिटिश, फिर बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स यूज इंडियन गुड्स, फिर साथ में कहा बाइकॉट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, बेस क्या रखा नॉन वायलेंस। गांधी जी ने कहा कि आपने जो भी करना है इंडियंस को आप बाइकॉट करो बट रिमेन नॉन वायलेंट, आपने वायलेंट नहीं होना। हमेशा गांधी जी इंडियंस को यही कहते थे कि कभी भी वायलेंट नहीं होना बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट वायलेंस। तो ये मूवमेंट लॉन्च हो गई। अब इस मूवमेंट को कैसे कैसे लोगों ने ज्वाइन किया, और दिस मूवमेंट ज्वाइन बाय पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे मूवमेंट इन टाउन्स। टाउन्स में ये मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुई, मूवमेंट इन टाउन्स। तो यहाँ पे आपको एक मद्रास प्रेसिडेंसी को याद रखना है। इन मद्रास प्रेसिडेंसी ये मूवमेंट स्प्रेड नहीं हुई थी। मद्रास में ये मूवमेंट इसलिए स्प्रेड नहीं हुई बिकॉज इन मद्रास देयर वर नॉन ब्राह्मण्स, एंड नॉन ब्राह्मण्स को हमेशा लगता था कि कांग्रेस जो है ना वो हमेशा ब्राह्मण्स को हाई पोजीशंस देती है। तो दे वांटेड टू, नॉन ब्राह्मण्स जो थे ना वो ब्रिटिश के साथ रहना चाहते थे, दे वांटेड टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस। उनको लगता था कि हम इलेक्शंस में पार्ट लेंगे वी वुड कम इन पावर ओन हियर, वो कहते थे हम अपने आप पावर में आ जाएंगे। तो उनको लगता था कि हमें कांग्रेस ने तो हाई पोजीशंस नहीं देंगी तो हम अपने आप ही पावर में आएंगे, तो वो इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहते थे। दैट्स व्हाई इन मद्रास प्रेसिडेंसी पीपल डिडंट ज्वाइन दिस मूवमेंट, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन मद्रास प्रेसिडेंसी वाज ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, एंड नॉन ब्राह्मण्स को जेलस होती थी इनसे ब्राह्मणों से बिकॉज कांग्रेस हमेशा इंपॉर्टेंट पोजिशन किसको देती थी, ब्राह्मणों को। तो उनको लगता था कि हमें तो कभी भी कांग्रेस इंपॉर्टेंट पोजीशंस नहीं देगी, तो इसीलिए वो अपने आप ही पावर में आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी की इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। तो आपको याद रखना है इन मद्रास प्रेसिडेंसी पीपल डिड नॉट ज्वाइन दिस मूवमेंट। पेपर में पूछ लेते होते हैं व्हाई पीपल इन मद्रास प्रेसिडेंसी डिड नॉट ज्वाइन द मूवमेंट, तो आपको बताना चाहिए कि वहाँ पे नॉन ब्राह्मण्स थे, उनको कहीं ना कहीं लगता था कि कांग्रेस जो है ऑलवेज गेव हाई पोजिशंस टू द ब्राह्मण्स, तो उनको जेलस होती थी। दे वॉन्टेड टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस, दे वर ऑन द व्यू दैट बाई टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस दे वुड कम इन पावर ओन देयर ओन, कांग्रेस उन्हें नहीं लाएगी पावर में बट वो अपने आप पावर में आ जाएंगे। तो मद्रास के लोगों का तो आप सेपरेट कर दो, टाउन्स में उन्होंने पार्टी नहीं लिया। अब टाउन्स में ये मूवमेंट कैसे सेपरेट हुई, तो आपने बताना इन टाउन्स पीपल वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो टाउन्स के लोगों ने पर चढ़ के पार्ट लिया, दे बायकॉटेड द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स टीचर्स डॉक्टर्स लॉयर्स सब सबने अपने इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए। एंड फिर हम बताएंगे पीपल स्टार्टेड यूजिंग इंडियन गुड्स, दे बायकॉटेड द ब्रिटिश गुड्स, दे बर्नड ब्रिटिश गुड्स इन हीप, ढेरों के ढेर आग लगा दी ब्रिटिश गुड्स को। तो लोगों ने मिल मेड क्लोथ का भी बाइकॉट किया, दे स्टार्टेड यूजिंग खादी, उन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का भी बाइकॉट किया, मिल मेड क्लोथ का भी बाइकॉट किया, ब्रिटिश गुड्स को ढेरों के ढेर चला दी, बर्नड ब्रिटिश गुड्स इन हीप एंड स्टार्टेड यूजिंग खादी, खादी यूज करना शुरू कर दिया। बट दिस मूवमेंट स्लोड डाउन इन टाउन्स आफ्टर फ्यू मंथ्स। ऐसा क्या हुआ, इतनी स्प्रेड हो के स्लोड डाउन कैसे हो गई, फिर आपने यहाँ पे बताना है कि देयर वर नो इंडियन इंस्टीट्यूशंस, वहां पे लोगों ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बाइकॉट किया था, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए थे, तो वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। साथ में खादी वाज एक्सपेंसिव, लोगों ने मिलमेड क्लोथ का बाइकॉट किया और खादी यूज की बट खादी वॉज एक्सपेंसिव। तो अंडर ब्रिटिश इंडियंस वर वेरी पुअर, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाए खादी खरीदना, दे हैड टू बाय मिल मेड क्लोथ अगेन बिकॉज मिल मेड क्लोथ वॉज चीप, तो उन्होंने दोबारा मिल मेड क्लोथ खरीदना शुरू किया। स्टूडेंट्स टीचर्स डॉक्टर्स उन्होंने दोबारा, इंडियन इंस्टीट्यूशंस तो थे नहीं, दे ज्वाइंट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस अगेन, उनको दोबारा ज्वाइन करने पड़े क्योंकि उनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं था।
तो ड्यू टू दिस रीजन दिस मूवमेंट स्लोड डाउन इन टाउन्स. अब ये क्वेश्चन की फॉर्म सुनो कैसे आता होता है. नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्प्रेड इन टाउन्स बट आफ्टर फ्यू मंथ्स स्लोड डाउन. एक्सप्लेन. फ्यू मंथ्स के बाद स्लो डाउन हो गई, एक्सप्लेन करो. तो आपने सारा बताना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में स्प्रेड हुई, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे लोग, उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया. क्या क्या किया मैंने सब कुछ बताया कि बाइकॉट किया ब्रिटिश गुड्स का, बर्न्ड ब्रिटिश गुड्स इन ही, बाइकॉटेड द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, सबने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए. पीपल स्टार्टेड यूजिंग खादी एंड बाइकॉटेड द मिल मेड क्लोथ. लिकर शॉप्स वर पैक्टेड अप. ये सब आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है. फिर आप कहोगे बट आफ्टर फ्यू मंथ्स दिस मूवमेंट स्लोड डाउन. कुछ मंथ्स के बाद ये मूवमेंट स्लोड डाउन हो गई इन टाउन्स बिकॉज. अब क्यों स्लो डाउन हुई, व्हाट वर द रीजंस, तो आपने बताना है कि देयर वर नो इंडियन इंस्टीट्यूशंस. तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, ऑल द ऑफिशियल्स, दे हैड टू ज्वाइन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस अगेन. अब दोबारा ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना पड़ा. देयर वाज नो सॉल्यूशन. फिर हम कहेंगे खादी वाज एक्सपेंसिव एंड अंडर ब्रिटिश इंडियंस वर वेरी पुअर, दे कुड नॉट अफोर्ड इट. On the other hand, mill-made cloth was cheap. So people started buying mill-made cloth again. In this way, we can say in towns, non-cooperation khilafat movement jo thi, spread ho ke bhi, slowed down ho gayi. Now is it clear? Aur kaun se area mein logo ne is movement ko join nahi kiya? You know it very well. Madras presidency ke logo ne is movement ko join nahi kiya tha. Wo bhi maine reason bata diya ke wahan pe kaun the? Non-Brahmans. तो दिस इज अबाउट, ये वन क्वेश्चन आपका बन गया. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन टाउन्स बट आफ्टर फ्यू मंथ्स स्लोड डाउन. एक्सप्लेन या गिव रीजंस. तो आपको ये सारा आना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट आपका आ जाता है, अभी हम कर रहे हैं फॉर मूवमेंट स्प्रेड ज्वाइंट बाय पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. फर्स्टली इन टाउन्स, सेकेंड इन कंट्री साइड. मूवमेंट इन कंट्री साइड. पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में कैसे स्प्रेड हुई थी. तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये बताओगे कंट्री साइड के जो लोग थे ना, इनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था. टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ताल्लुकदार. ये लोग ब्रिटिश के साथ नहीं लड़ रहे थे, दे वांटेड टू टेक फ्रीडम फ्रॉम ताल्लुकदार जो कि रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे. पीपल ऑफ कंट्रोल द पीपल ऑफ कंट्री साइड स्वराज मीन. इनको देखो स्वराज का मीनिंग भी क्लियर नहीं था. वैसे स्वराज का मीनिंग है सेल्फ रूल. स्व स्व मीन्स अपना, राज मीन्स रूल, सेल्फ रूल. तो फॉर द पीपल ऑफ कंट्री साइड स्वराज मीन टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ताल्लुकदार. दे हैड नो फाइट विद ब्रिटिश. इनकी ब्रिटिश के साथ कोई लड़ाई नहीं थी. पहले तो देखो कॉज ही क्या लेके आए. ये लोग ब्रिटिश के साथ लड़ ही नहीं रहे. कंट्री साइड होता है विलेज एरियाज. ये लोग नो डाउट ब्रिटिश के साथ लड़ रहे थे. कहीं ना कहीं टाउन्स के लोग अवेयर थे. कंट्री साइड विलेज एरियाज के लोग, उनको इतना इस मूवमेंट के बारे में नहीं पता था. तो वो लोग ताल्लुकदारों से लड़ रहे थे, उनकी कोई ब्रिटिश के साथ लड़ाई नहीं थी. So for the people of countryside, Swaraj meant to get freedom from Talukdas. They had no fight with British. Now, Talukdas collected revenue from the people, from the peasants. Because rural areas were, so peasants were there. So Talukdas collected revenue from the peasants. And peasants were not in condition to pay revenue. So Talukdas forced them. तो दैट्स वाई पीपल वॉन्टेड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम दीज पीपल. इनसे फ्रीडम चाहते थे विलेज एरियाज के लोग. अब यहाँ पे लीडर बने बाबा रामचंद्र सन्यासी. बाबा रामचंद्र सन्यासी वाज द लीडर. ये नेम आपको कंट्री साइड में याद रखना है, बाबा रामचंद्र सन्यासी. वो इंडेंचर्ड लेबर भी रह चुके थे. बाबा रामचंद्र सन्यासी वाज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट इन कंट्री साइड. तो बाबा रामचंद्र सन्यासी जो थे ना,
ये इंडेंचर्ड लेबरर भी रह चुके थे। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम द कांग्रेस कंट्री साइड एरियाज में गए, अवध वाली साइड गए। बाबा रामचंद्र सन्यासी के साथ उन्होंने ओध किसान सभा सेटअप की। पेपर में पूछ सकते हो सेटअप ओध किसान सभा, तो आपने बताना है पंडित नेहरू विद बाबा रामचंद्र सन्यासी। तो पंडित नेहरू विजिटेड अवध वाली साइड गए एंड विद बाबा रामचंद्र सन्यासी उन्होंने मिलके ओध किसान सभा सेटअप की। अब कांग्रेस ने नो डाउट अपनी सपोर्ट इन लोगों को दी कि कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू विजिटेड अवध एंड सेटअप ओध किसान सभा विद बाबा रामचंद्र सन्यासी। बट यहाँ पे क्या हुआ, पीपल टर्न्ड वायलेंट, ये लोग वायलेंट हो गए एंड बाबा रामचंद्र सन्यासी विद हिज और जो साथ में फॉलोअर्स थे दे टर्न्ड वायलेंट, ये लोग वायलेंट हो गए। तो इन्होंने ताल्लुकदारों के घरों पे अटैक करने शुरू कर दिए। दे अटैक द हाउसेज ऑफ ताल्लुकदार्स। वायलेंट हुए तो कांग्रेस से ये बात टॉलरेट नहीं हुई बिकॉज दे वर अगेंस्ट वायलेंस। तो कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट आनी भी बंद होगी बिकॉज हियर पीपल टर्न्ड वायलेंट। कहाँ उन्होंने ओध किसान सभा सेटअप की थी, सोल्यूशन निकालने थे, बट लोग ही वायलेंट हो गए, उन्होंने ताल्लुकदारों के घरों पे अटैक कर दिए। तो इस वजह से यहाँ पे भी ये मूवमेंट कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो चुकी। तो इस वजह से आप बताओगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। तो फर्स्ट यू हैव रेड अबाउट नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट इन टाउन्स, कैसे मूवमेंट स्प्रेड हुई, क्यों ये मूवमेंट कॉल स्लो डाउन हो गई इन टाउन्स, तो ये आपको रीजन पता होना चाहिए। What do you know about non-cooperation movement and countryside? तो आपने बताना कंट्री साइड के जो लोग थे उनके लिए स्वराज का मीनिंग बताना है। दे हैड देयर फाइट विद तालुकदार्स, नॉट मतलब इंडियन से लड़ रहा है, ब्रिटिश से ये लोग लड़ ही नहीं रहे, तालुकदार इंडियन से, तो ये इंडियन से लड़ रहे हैं। तो ये तो तालुकदारों से फ्रीडम चाहते हैं, ब्रिटिश से तो फ्रीडम मांग ही नहीं रहे ये लोग। तो तालुकदार कौन थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो बाबा रामचंद्र सन्यासी लीडर बने इनके। अब कांग्रेस की तरफ से इन्हें नो डाउट सपोर्ट मिली, कौन गया कांग्रेस की तरफ से, पंडित नेहरू विजिटेड अवध और उन्होंने मिलके बाबा रामचंद्र सन्यासी के साथ ओध किसान सभा सेटअप की। बट लोगों ने वेट नहीं की, वो वायलेंट हो गए, अटैक द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स और इस वे से कहीं ना कहीं कांग्रेस डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि लोग वायलेंट हो रहे थे इन कंट्री साइड। तो टुमारो वी विल डू मूवमेंट इन प्लांटेशन एरियाज एंड मूवमेंट इन ट्राइबल एरियाज। अब ये हमारे नॉन कोऑपरेशन फिर कॉल बैक, क्यों ये मूवमेंट वापस ली महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये तीन टॉपिक करने के बाद हमारी एक मूवमेंट कंप्लीट होगी, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट।